किया था उसमें इंडिया में सेकेंड भारतीय एयरटेल है। तो इस स्टॉक में आपका नज़र होना चाहिए दोस्तों। और ऐसे वीडियो सही टाइम पर लाने के लिए सब्सक्राइब कर लो आप ही के चैनल ट्रेंड सेटर को। अब मैं दिखा रहा हूँ सही टाइम क्या है, जब RSI 60 के ऊपर हो और MFI भी 60 के आसपास हो और MACD सिग्नल इज बुलिश, ये जो चार्ट पैटर्न बना है ये आपका सबसे बेस्ट चार्ट पैटर्न है, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग सिग्नल जनरेट होता है, यहाँ से एक अप ट्रेंड सिग्नल जनरेट होता है, यहाँ से एक हाई मूव पॉसिबिलिटी जनरेट होता है दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक में आपका नज़र होना चाहिए। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए तो बेस्ट रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कोर पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है दोस्तों। 5G का बहुत ज़्यादा, रिलायंस इंडस्ट्री के बाद भारतीय एयरटेल ने सबसे ज़्यादा बीट का सबसे ज़्यादा करोड़ रुपये लगाया हुआ है। अभी देख लेते हैं ओवरव्यू क्या है। 52 एक लो से 26 अगस्त 2021 में हुआ था, अभी मिड रेंज परफॉर्मर है और अभी 1% वीडियो बनाते बनाते 1% का आप मूव दे चुका है और हाई 56% पास चेकलिस्ट है, ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट भी कंसोलिडेट ग्रोथ है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका क्वार्टर रिजल्ट है 570 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है दोस्तों। तो चार्ट में सीधा दिख रहा है कि 700 के ऊपर जाने वाला ये स्टॉक, 750 के ऊपर, तो अप ट्रेंड बना हुआ है मोमेंटम भी। और रेवेन्यू थोड़ा कम जनरेट करके दिया था पिछले 2 साल में, लेकिन अभी नेट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है आपका 570 करोड़ के आसपास। स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल देखो आप, यहाँ देखो ऐसे स्टॉक जहाँ पे 32 एनालिसिस के अंदर 25 बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाय जनरेटेड हो गया, तो ऐसे स्टॉक में आपका होना चाहिए नज़र। जून क्वार्टर में आपका देखो 2000 करोड़ का प्रॉफिट और एक्सपेंस भी उस हिसाब से आपका 990 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 570 करोड़ का जो मैं बताया था, और उस हिसाब से आपका EPS भी देखो, EPS भी थोड़ा कम हो गया, -6.5 था अभी -5 आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकल देखो हाईली बुलिश इंडिकेटर यहाँ दिखा रहा है, फास्ट रेजिस्टेंस 709 में है और फास्ट सपोर्ट भी 699, तो दोनों के बीच ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। MFI और RSI दोनों लेवल सही है एनालिसिस के। शेयर होल्डिंग पैटर्न म्यूचुअल फंड का देख सकते हो कितना ज़्यादा होल्डिंग है, FIR और म्यूचुअल फंड का सबसे ज़्यादा होल्डिंग है स्टॉक में। और सबसे बड़ी बात है कि FIR ने थोड़ा माल कम किया था लेकिन म्यूचुअल फंड ने उस होल्डिंग को बढ़ा लिया है, 11.68% से 12.15% कर लिया। बहुत तगड़ा 5G का नेटवर्क, ये स्टॉक फिर पकड़ में भी नहीं आएगा, एक एक दिन में 10% का 20% का अपर सर्किट मारता हुआ दिखेगा। टारगेट देखो कितना बड़ा बड़ा दिया है, 27% मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 910 रुपये का टारगेट है, 27% अप मूव पॉसिबिलिटी। और ये हाल फिलहाल में ही दिया गया टारगेट है दोस्तों, 20% अप मूव बाई जियोजीत BNP परिवास। तो बायर्स लेवल देखो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, होल्ड और बाई मिला के आपका 82% के आसपास लोग इसको बाइंग के रेट दे रहा है, तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बन गया ये और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ आगे बढ़ सकता है ये स्टॉक। इसमें आपका नज़र होना चाहिए, इसमें आपका मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मैं भी बहुत पहले बाई कर चुका हूँ, आप भी बाई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और ऑलवेज आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके इन्वेस्ट करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और अगर नए हो इन्वेस्टर हो तो इस चैनल में, अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।